आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। भगवानटा के चौराहा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे निकालने के लिए महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी रही। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार को जहां वाहनों का आवागमन अधिक रहा, वहीं मंगलवार को पुलिस की सख्ती के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। अधिकारियों ने चौराहों पर खड़े होकर वाहनों के चालान कराए। एसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, बेवजह निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जनपद में कुछ जगहों पर लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे कि जो हमारे देहात के इलाके हैं ऑरेंज जोन, वहाँ पे शराब की दुकानें खोलने का प्लान है, उसको स्टडी किया जा रहा है। उसी के चलते पूरे शहर में, क्योंकि यहाँ से लोगों की मूवमेंट हो सकती है देहाती इलाकों में शराब खरीदने वगैरह के लिए, उसको मद्देनज़र हम लोगों ने और ज़्यादा पुख्ता अब लॉकडाउन के जो अपनी चेकिंग वगैरह है वो कर दी है, और निरंतर इसको हम लोग और कड़ाई से पालन करा रहे हैं, और जनता का भी सहयोग, हम जो अपेक्षा हमने की थी वही हमें मिल भी रहा है। एसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि लॉकडाउन में पहले की तरह हर सामग्री की दुकानें समय समय पर खोली जाएंगी, जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, दवा की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। देखिए, हम लोगों ने खाद्य सामग्री का तो टाइम ऐसा है कि हर थाना क्षेत्र में जहां पे हॉटस्पॉट है नहीं है, और हॉटस्पॉट के आसपास कितनी पॉपुलेशन है और कितना वहां पे डिमांड है, उस हिसाब से हम लोग चेंज करके लोकली सबको बता दे रहे हैं, और उसी हिसाब से हम लोग टाइमिंग को शॉपकीपर्स को भी और जो खरीदने वाले उनको भी। अब शराब की दुकान शहर में खुलने की अनुमति दी जाएगी? नहीं नहीं, शहर में नहीं खुलने की अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण पर पुलिस चौराहों पर सख्ती बरत रही है। अधिकारी सड़कों पर निकलकर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। एसपी सौरभ दीक्षित ने भी क्षेत्र में भ्रमण कर दिशा निर्देश दिए। पुलिस की सख्ती देखकर लोग घरों से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन में इस तरह की सख्ती की जाएगी। उमेश शर्मा, सी न्यूज, आगरा।